ओए होए जी, हाथ तो है ना मट्टी में हो गए सारे गमले जो है ना, हमने मट्टी शट्टी भर ली है रामेश भाई ने। क्या आ गया जनाब? सदाबहार की पनीरी एक एक करके भाई डालना है। ये है जी परफेक्ट तरीका, बिल्कुल फिल्टर करके माशाल्लाह से रामेश भाई निकल ली है मट्टी। चल इसको बीच में लगा देते ताकि कोई तोड़े ना इसको ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। नहीं यार, खुशी खुशी व्लॉग देख रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहा है। बस आप लोगों से एक ही किला है यार, सब्सक्राइब का बटन भी आ रहा होता है उसके क्लिक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हम और आप इसी तरीके से रोजाना मिलते रहे। ठीक है समरिया। और मुझे आप लोगों की फिक्र इसीलिए नहीं है कि भाई आप लोग देखते हैं, इसलिए है क्योंकि भाई हम लोग आपसे अपनी फैमिली की बातें शेयर करते हैं। आप हमारे बन गए हो फैमिली मेंबर, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई आप लोगों को रोजाना की जो भी एक्टिविटीज है वो शो करना। अभी रामेश भाई जो है शल्ला से पानी डालना है गमलों के अंदर। रामेश भाई आज तो खुद ही पानी डाला जा रहा है आप है। गर्मी बहुत है, मुझे इनका एहसास हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ हाँ हाँ। आज रामेश भाई ने, भाई रामेश भाई घर पर ही आपको दिख रहे होंगे क्योंकि रामेश भाई की ऑफिस की छुट्टी है, तो इन्होंने कहा है कि आज मैं सारे काम अपने हाथ से करूंगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्या रामेश भाई से आज सारे काम करवा लिए जाए, चैलेंज वैलेंज कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं पता, अभी सुबह ही सुबह उठे हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा ना मैंने पानी पिया है। ठीक है, नाश्ता भी करेंगे, पानी भी पियेंगे और अम्मा जी से भी मिलेंगे। रामेश भाई आप पानी डालें, हम मिल के आते हैं अम्मा जी से। ठीक है, ये तो रियल चिपकली प्रैंक हो जाता, बचत हो गई हमारे यहाँ से, छिपकली गई है भाई अभी पौधों में से। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, मजे में। आज तो हमारे अब्बा ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं। अच्छा, कार का जो है कितना काम हो गया है, कितना नहीं हुआ, पहले अपडेट ले लेते हैं। अब्बा कितना काम हो गया कार का? तकरीबन पॉलिश रह गई। पॉलिश रह गई है, ओ माशाल्लाह भाई, माशुका की से पॉलिश रह गई है। पॉलिश होने के बाद तो और खूबसूरत लगेगी। और अभी मुझे पता चला है कि यार उसके लिए एक आइटम देखने के लिए हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो वो भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। रमेश भाई क्या लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर नहीं बांध दी तो भाई हमारे वाइट वर्दी वाले भाई जो है ना वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बात तो सही है। वो बेल्ट थी पर वो मैकेनिक से कोई गायब आए, वो कोई चोरी हो गई, क्या हो गई, अब वो दूसरी लानी पड़ेगी। चले जी, अब्बा भी जा रहे हैं और रमेश भाई भी जा रहे हैं तो हम भी निकलेंगे। उससे पहले भाई अम्मा से मुलाकात कर लेते हैं। नाश्ता कर लिया है आपने? नाश्ता तो कर लिया मैंने। नाश्ता कर लिया है? अच्छा, अब्बा का नाश्ता मेरे ख्याल में हो गया है और दोपहर के खाने की तैयारी है। मैं लेट उठता हूँ लेकिन अब्बा जो है ना भाई कितने बजे उठ जाते हैं अब्बा रोजाना? 9 बजे। 9 बजे? आज 9 बजे उठा, वैसे 7 बजे उठ गया। अच्छा माशाल्लाह, काम वाम कर लिया है सारा, बकरियों का, जानवरों का सब हो गया है? अच्छा जानवर सेट है, ये बता दिया, काफी दिनों से अपडेट नहीं आई है, जानवरों का क्या हाल है? माशाल्लाह सोनी की तबीयत खराब थी, रात को ग्लूकोज और ये चीजें उसको दी है। अच्छा, तो वो भी बेहतर हो। क्या हो गया, खैरियत? गर्मी है ना। ठीक है, गर्मी की वजह से जानवर जो ना वो हो जाता है। अच्छा हाँ, गर्मी की वजह से अब्बा जो है ना थोड़ा डाइट भी चेंज करते हैं जानवरों की। कोशिश ये करते हैं कि यार उनको ठंडी जगह पे रखा जाए, ठंडे फर्श पे रखा जाए ताकि उसकी बीमारी जो है ना सेट रहे। राजन भाई हरा भरा हो गया यहाँ पे तो, ग्रीनरी वाइट वाइट माशाल्लाह, सब जो है ना ठंडा ठंडा लग रहा है भाई माहौल अपना। अम्मा जी क्या हाल है? अम्मा जी खैरियत है, आप तबीयत सेहत ठीक है? आपके हाथ कैसे हो रहे हैं? ये क्या हो गया? रोटी पकाई, बेसन की रोटी बना ली। ओहो, दिन के इस वक्त बेसन की रोटी, मेरा तो नाश्ता भी नहीं हुआ, मैं कैसे खाऊंगा? भाई नाश्ते में खाते हैं? नहीं खाते थे दोपहर में, लेकिन अब दिन हो रहा है तुम्हारा, वही नाश्ता वही रोटी। चलो जी, अम्मा ने भाई बेसन की रोटी बना ली है, तबीयत सेट है आपकी? मजे में आप? चटनी है, सलाद है और अचार। अच्छा चलो जी, चटनी सलाद अचार बेसन की रोटी, तो बहुत ही मजा आने वाला है। अम्मा जी जल्दी से लगा दे, कहाँ है? चले आ गया भाई, चादर शादर जो है ना अम्मा बोली है कि भाई ठंडे में बैठ के, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया गर्मी है तो नीचे बैठ के खाएंगे ताकि भाई आराम से खाया जाए। और ये खिड़कियां जो है अपनी ओपन कर लेते हैं सारी विंडोज, ताकि हवा जो है हवादार जो है हमारा रेस्टोरेंट बन जाए। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी भाभी जो है वो बेसन की रोटी और सलाद साथ में लेके आ चुकी है। इसके अलावा भी और कुछ आएगा? अचार भी आएगा भाई, अचार भी आएगा। और बेसन की रोटी तो देखें यार कैसी लशपश लग रही है, 1 2 3 इतनी सारी बनाई है, वो भी दिन के इस मौके पर। आ गई है जी चटनी। बजी ने जो है अपना अलग से कर लिया सारा सेटअप, प्लेट उठा के अलग ही रोटी कर लिया। अब्बा ने बोला पहले मैं ले भाई अपना ले लूं। मक्खन है, असली मक्खन है। असली मक्खन है? माशाल्लाह, असली मक्खन के साथ बेसन की रोटी का बन अलग कर लिए, बाकी हमने भाभी के लिए भैया के लिए छोड़ दिए हैं।
बाबे के लिए ना। बाबे आओ। काम हो गया बाबे? एकदम परफेक्ट। अरे बेहतरीन हो गया बाबे, खाना लगा हुआ है माशाल्लाह, गीला गीला कर दिया है। अब तो दिल चाह रहा है कि बंदा वहाँ से गुजरे, क्योंकि ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई। एक रोटी हमारे पास आ गई है, गर्मी इतनी है कि रामेश भाई ने ये कटोरा पकड़ लिया है और ये फुल बर्फ का हो रहा है, ये चेक करें आप लोग। ओह माय गॉड, रामेश भाई ये पी लेंगे आप क्या? इतनी तो इतनी गर्मी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, आपको भी लग रही है। लेकिन मैं भाई इतना जो है, मेरी आदत ये है कि मैं ठंडा पानी नहीं पीता। रामेश भाई और अम्मा ये लोग फुल बर्फ का पानी पीते हैं, लेकिन मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल पानी पीते हैं, जैसे चाइनीज पानी पीते हैं ना। तो हम लोग उसी भाई तौर तरीके पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग चाइना में रहते थे ना पहले यार। ऐसा ही अब्बा? बिल्कुल। कौन से वाला? पाकिस्तान के अंदर भी एक मिनी चाइना बना, पाकिस्तानी चाइना। हाँ पाकिस्तानी चाइना, वो चीन और बॉर्डर का जो आपस में होता है ना, तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ पाकिस्तानी। तुम लोग चाइना में नहीं बल्कि अफ्रीका के शहर एथियोपिया में रहते हो। वाह क्या हो गया, अगर हम अफ्रीका के शहर एथियोपिया में रहते थे तो आप लोग कहाँ से आए? क्योंकि मुझे तुम लोग एथियोपियन लगते हो। और रामेश भाई आपको बाबे? अभी लंदन से आए। अच्छा, ये पजामा ऊपर करके दो पैंचे क्या इन्होंने ऊपर कर लिए ना, तो ये लंदन से आए। तो मैं भी एक काम करूंगा, आधा ये देख रहे ट्राउजर अपना काट लूंगा और बोलूंगा कि भाई मैं भी जो है अमेरिका से आया हूँ। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? भाभी भी आ गई हमारी, आप भी खा लें। ये आप एक बात बताएं, ये आपके हस्बैंड बैठे हैं, ये इनके पास वाइट बलियान के अलावा और कोई आइटम नहीं है कोई पहनाया जाए इनको, कोई अच्छी सी शर्ट? ये अभी अभी लंदन से आए, अम्मा ने मुझे बताया, तो कुछ अच्छे से आइटम पहनने चाहिए ना इनको, कपड़े वपड़े। ये दरअसल पेरिस में ऐसे ही फिरते थे। पेरिस में ही ऐसे ही पूछ रहे हैं? अम्मी लंदन कहाँ, पेरिस कहाँ, एक ही जगह पर है दोनों? सॉरी यार मुझे पता नहीं था। अच्छा पेरिस में आपका ऐसी एक्टिविटी थी होती बलियान के अंदर, या बलियान भी नहीं पहनते होगे शायद? पेरिस से आदत पड़ गई। अच्छा, जब ये कपड़े जो है ना आपको दिखेंगे नहीं, सिर्फ एक ही बलियान, व्हाइट बलियान। और रामेश भाई ने एक भरम वाली चेन डाली, हमारी भाभी कम को है, कम बोल रही है, तो उसका कवरेज जो है ना मैं खुद ही कर रहा हूँ, अम्मा कर रही है। अम्मा हमारी जो है ना जितनी बातें कर सको आप, अम्मा कैमरे से बातें करती जाएंगी, आप लोगों से बातें करती जाएंगी। बेसन की रोटी है चटपटी। हा हा हा, क्या मजा आ गया, क्या बात है अम्मा। तुम तो खाई नहीं रहे व्लॉगरों से बातें करने। व्लॉगरों से? व्लॉगरों से चले जी भाई। हाँ व्यूअर्स से बातें करने में लगे। चटनी आ गई है माशाल्लाह से, ये थोड़ी सी चटनी हम इसमें निकाल लेते हैं अपने पास। अब्बा बोले थे मेरे साथ खा लो, मैं अब्बा थोड़ा सा अलग कर लें। आ गया है जी अचार, एजाज का मशहूर अचार, एजाज का मशहूर अचार। रामेश साहब कह रहे हैं आ गया कोई होगा भाई, एजाज साहब हैं। ये देखें एजाज साहब का मशहूर अचार, सुपर मिक्स तेल। इनके मामू हैं, इनके मामू हैं। अरे अचार का कारोबार है उनका, अचार का कारोबार है, मामू है। ओ भाई रामेश भाई का क्या लगे, मामू मामू सुसर, मामू सुसर, रामेश भाई के मामू सुसर की फैक्ट्री का अचार है भाई। जिसको अचार चाहिए वो कमेंट में बता दे, मेरी बेगम इंशाल्लाह वो सबको डिलीवर कर, हो जाएगा अरेंज। यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है भाई सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है रामेश भाई, आप तो अचार में खेलते होंगे? खेलता नहीं मैं। खाते हो? चले जी भाई, ये दोनों चीजें निकल चुकी है, हम तो जितने बातें करते जाएं कम है। आ गया भाई अचार और ये चटनी, इसको खा लेते हैं और फिर उसके बाद इसको डन करते हैं। वीआईपी लग रही है, मजेदार लग रही है, लेकिन पहले पानी पियेंगे और ये सारा जो है ना खाना डन करेंगे, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया है। अम्मा जी बहुत ही मजेदार बनाई थी आपने बेसन की रोटी, मजा आ गया यकीन करें। ये आपने बनाई थी या भाभी ने बनाई थी, पहले तो ये बताएं किसके हाथों का जादू था ये? मेरे। आपके हाथों का जादू था ये? माशाल्लाह ये माशाल्लाह से बात को कवर करने के लिए रामेश भाई, ताकि बाद में जो है ना रामेश भाई को कोई जो है अकेले में पिटाई उटाई ना लगे। तो अम्मा जी हकीकत है ना आपने बनाई थी? मेरे हाथ आटे में भरे हुए थे। हाँ भाई आप लोगों ने लाइव देखा था, अम्मा ने बता दिया ना, हाथ में हाथ जो है आटे में भरे हुए थे, चटनी सलाद मजा आ गया जी। और अभी मेरे हाथ में है, अम्मा ने बोला मिल्क पी के जाए और निकल रहे हैं। अब्बा जी रेडी हैं आप, कहाँ निकलना है? प्लाजा। अब्बा बोला प्लाजा निकलना है। गाड़ी का एक काम रह गया है जो कि सीट बेल्ट है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, चोरी हो गई है, चोर बहुत ज्यादा है, तो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो भाई हमें व्हाइट वर्दी वाले जो है ना हमारे भाई हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिंध गवर्नमेंट हमें परेशान करेगी। हम रूल के तहत चलेंगे, पॉलिसी के तहत चलेंगे और सीट बेल्ट लेके आएंगे। तोतों को, चिड़ियों को, चीलों को, अभी मेरे सामने तोता बाहर जमीन पे ऐसे आकर गिरा और कुत्ते ने खाया उसको। गर्मी के मारे परिंदे जमीन पे गिर रहा है, उनको पानी रखो,
इंसानों का कुछ फर्ज है भाई सबकी मदद करना। सब चलो जी, रामेश भाई जो है पानी रख रहे हैं। हमारी बेगम आज ये खरीद के लाई है माशाल्लाह से, अल्लाह इनको जजाए खैर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह रामेश भाई, भाई परिंदों के लिए नेक दुआएं कबूल, परिंदों के लिए चरिंद परिंद के जो है ना पानी रखा जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ रख रहे रामेश भाई? एक यहाँ रख दिया और दूसरा भी यहीं पे रखेंगे, तीसरा वहाँ रखा है। बाबे जी आप मेहनत कर रहे हैं, ऊपर की साइड पर रख दिया भाई रामेश भाई ने, ये हो गया यहाँ पर दूसरा। ये सब अपनी अपनी छतों पर पानी रख दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज जो मैंने देखा है ना तोते को गिरते हुए जमीन पर, देख के आराम से। चलो जी माशाल्लाह, दोनों साइड रामेश भाई ने जो है ना ऊपर की साइड पे तीनों साइड रख दिया, तीनों साइड पानी रख दिया माशाल्लाह। आओ मैं दिखा देता हूं। अच्छा एक साइड और रह गई है, एक साइड रामेश भाई बोला, मैं और दिखा देता हूँ। और साइड लेके आ गए रामेश भाई, कहाँ पर रखा है बाकी पानी आपने? माशाल्लाह हाँ ये रख दिया भाई पानी एक और। मैं तो सोचो यार ये पूरी रॉ जो है हम लोग अगर पानी लगा दें तो कैसा रहेगा, दो दो तीन दाना भी लगाया जाए। अच्छा दाना भी, पानी रख दिया भाई यहाँ पे, दाना भी रखेंगे एक साइड पे ताकि कोई परिंदा ना यार भूखा ना रहे। किस चीज की बहस हो रही है? बिकेगा ही नहीं वो तो दूसरे का है ना। सामान नहीं बिकेगा, बात दूसरे यार उसरे की तो है ही नहीं ना। कि कोई भी आप सफाई करे मगर जी, ये सारे मिलके तो भाई अम्मा जी को समझा रहे हैं। हम लोग चलते हैं जनाब नीचे, और नीचे जाके क्योंकि किसी बात पे बहस चल रही है, कोई स्टोर वगैरह खाली करवाना है, उसका सामान नहीं बेचना है, तो हम लोग चलते हैं यार नीचे, और नीचे जाके आपसे होती है मुलाकात। चलो हाय हाय हाय, इतनी गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और हमारी माशूका जो है ना इतनी गर्मी में खड़ी है धूप में। कैसी हो? मजे में हो? टिटा को आए 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 आए, तुम्हारे लिए सामान लेने जा रहे हैं। ठीक है फिर तुम्हें भी निकालेंगे। यार ये गाड़ी की ख्वाहिश है मुझे, सामने जो खड़ी हुई ना यार, ये देखे माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला जो है ना सबके नसीब में रखे, आप भाइयों के भी मेरे भी, और मेहनत करते जाएंगे इंशाल्लाह इस हल तक पहुंच जाता है बंदा ना। तो धन्नो खड़ी है भाई सामने, अंदर जाते हैं अपना कुछ जरूरी सामान उठाते हैं उसके बाद निकलते हैं। यहाँ तो आए थे भाई कुछ सीट बेल्ट वगैरह खरीदने के लिए। दुकान बंद है राम भाई? दुकान बंद है क्या? निकले क्या? दुकान बंद है, अब कल आएंगे यार। ये सब मार्केट देखो दुकानें बंद हो, जहाँ से लेना है वो दुकानें बंद है यार, हमारा जहाँ पे काम होगा। वैसे तो खुली हुई है मार्केट तो, हाँ 19-20 खुली हुई है, ऐसा ही है। चलें जी दुकानें बंद है और गर्मी बहुत हो रही है, पारी हो गई, पीते हैं रस्सी रस्सी पीते हैं। रामेश भाई को पारी नहीं हो गई, रामेश भाई कुछ पिलाते हैं ना आपको ठंडा। तो जो है ना माशाल्लाह से लेबर डी भी था तो यहाँ पे लेबर भी निकल रही है हमारी, और रामेश भाई वो खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना लेबर जो है अपना 1 मई का जो है लेबर डे, ठीक है? तो लेबर डे यार जहाँ भी फैक्ट्री में लोग हैं जहाँ पे भी हैं वो लेबर जो है ना इसी तरीके से अपना मजदूर का दिन मनाती है। यार गर्मी इतनी हो रही है, और यहाँ पे रामेश भाई ने ना अपने गार्डन के लिए जो है रामेश भाई गमले देख रहे हैं पूरे। ओ माय गॉड, कौन क्या ढूंढ रहे हैं भाई? सदाबहार की पनीरी देख रहा हूँ बाबे जो है ना, पनीरी ढूंढ रहे हैं भाई सदाबहार की। छोटे पौधे रखे हुए सदाबहार के, सदाबहार के मिल जाएंगे। वो देख रहे हैं वो भाई जा रहे हैं भागते हुए ना रामेश भाई, भागते हुए जा रहे हैं, उनको तो रोके इतनी स्पीड में जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं। अच्छा जी हम लोग बाबे के साथ जो है ना भागते हुए निकलना है। ये सारी ग्रीनरी चल रही है, और जो बोला है आपने क्या नाम है उसका? सदाबहार की पनीरी। सदाबहार की पनीरी, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पनीरी। पनीरी क्या कर रहे हैं? अच्छा गुलाबी भी देना भाई। ये आ गया जनाब सदाबहार की पनीरी, एक एक करके भाई डालना है। अब्बा जी जो है ना वो भी उठाने लग गए एक एक करके। चलो भाई जी बाबे, ओ बाबे भैया एक एक करके दे रहे हैं बाबे, ये लीजिए जनाब। ये भाई जो है ना गिनते जा रहे हैं, पता नहीं कितने जो है ना। रामेश भाई कितनी क्वांटिटी में लिए ये तो बताएं, कोई अच्छी वाली डाल दे कोई तेरे मोहब्बत में भाई। ओ भाई अरे कितनी ले लिए? वो तो 11-12 कर रहा है, कितने ले लिए आपने? 13-15 पौधे करवा रहा हूँ। ओ माय गॉड, अब्बा भी जो है ना निकालते में लगे हैं भाई। चलो भाई चलो, आ गए भाई, ये पूरी थैली आ गई। पत्ते नहीं, वो इतनी दूर खड़ी है। रामेश भाई क्या कह रहे हैं? पत्ते नहीं टूटे? अच्छा जी पत्ते नहीं टूटने चाहिए भाई। इसके अलावा पनीरी के अलावा और कोई आपको गार्डन में कुछ नहीं लगाना है? देख रहा हूँ मैं, देख लो महंगे भी तो बहुत हैं यहाँ पर, महंगे तो बहुत हैं भाई। ये रामेश भाई पूरे देखते हुए जा रहे हैं, ये 20-20 रुपए में ले लिए मैंने। ओह माय गॉड, ये 20-20 रुपीस की पनीरी रामेश भाई के बदौलत इन्होंने ना भाई को बोला मैं आपका जिगर हूँ जान हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत पौधे लगे हैं माशाल्लाह से, चेक करें आप लोग। हाँ 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 हाँ, दिल खुश हो गया यार। ये शेड प्लांट है। अच्छा ये शेड के अंदर लगेगा ना एरिया भाई, ये माशाल्लाह से भाई रोड पार करके लेके जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आप निकाला ना तुमने सही भाई, पैसे पैसे ना बिल्कुल भाइयों वाले लगाए, भाइयों वाले पैसे। हाँ भाई पाम की वैरायटी 100 रुपए दे, थैली में भी कम दे नहीं है, वैसे 350-400 क्वांटिटी में लेंगे ना, ज्यादा लेंगे ना। तरीके से एक एक करके ना छान छान के ले रहे हैं भाई माशाल्लाह से। हम लोगों को अब्बा को इतनी नॉलेज दी है जितनी रामेश भाई को है ना नॉलेज। एलोवेरा लगा लो, लग जाएगा ये
लगेगा। ये जमीन से खोद खोद के भाई निकालना है कुछ ना कुछ, एक एक करके सारी चीजें यहाँ से जमा करते जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं होगा पौधे, आगे चलते हैं जी। और भी ये मेरे ख्याल में देख रहे हैं, पूरी फुल प्रिपरेशन इन्होंने तो भाई कर ली है। गार्डन में वाइट फूल वाला पौधा बता रहे हैं, इसके जो है ना रामेश भाई को उन्होंने बीज दे दिया, बोला है ग्रोथ हो जाएगी। कितना टाइम लगता है ग्रोथ में? चार पाँच दिन में निकल जाता है। बीज निकाल लिए रामेश भाई? सारे बीज निकाल लिए भाई, बाबे ने सारे बीज निकाल लिए, सारे खरीद लिए। और रामेश भाई बड़े खुश हैं क्योंकि आज इनकी मनपसंद चीज़ जो है ना वो मिल चुकी है। बस करो भाई, वह क्या कह रहे हैं अगले हफ्ते? ये तो छोड़ी नहीं रहा, ये तो सारे सोच रहा है कि सारे लेके चले जाओ। हो गया, बहुत हो गया भाई, से डबल कराएं शॉपर और हम लोग निकलते हैं भाई घर पर। धूप बहुत ज़्यादा है, घर पर अब डायरेक्ट मुलाकात होती है, लेकिन उससे पहले रामेश भाई कुछ पिला दें, खिला दें यार, ठंडी चीज़ यार, गर्मी बहुत लग रही है। जो है ना भाई हमने नीचे रख दिया है, रामेश भाई गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। ओए ओए रामेश भाई थैली लेके आ गए गन्ने की, आए हाय हाय हाय। ये ले लीजिए अब्बा जी, गिलास में नहीं लेते हम लोग क्योंकि थैली में ज़्यादा सेफ रहता है। एक और आ गया, हाय हाय हाय। बस इतनी गर्मी थी यार, थोड़ा सा आराम कर लिया था, लेकिन रामेश भाई ने यहाँ पे काम खींच लिया सारा। कहाँ चला गया सारा वो पूरा जो बड़ा सा पौधा था वो ग्रीन वाला, वो कहाँ चला गया? ये सारा काट पीट के फेंक दिया है आपने, कटिंग कर दी है क्या? हाँ, और इसी कटिंग ही लगा दी। हाँ 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 हाँ, ये जो लेके आए थे हम लोग, ये लेके आए थे रमेश भाई ने इंस्टॉल कर दिए भाई। फिर कटिंगे लगा दी उधर। अच्छा सॉरी भाई, माजर यार, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। ये कटिंग है इसकी, काट के रमेश भाई ने इधर लगा दी और ये सारा जो है ना झाड़ दिया यार, इसको सफाई कर लिए। और इसकी भी कटिंग होगी, इसकी भी करेंगे। ये सारा जल रहा है यार पौधा, ये देखें, इसकी भी कटिंग करेंगे, इसकी भी कटिंग होगी, सारे पौधों की कटिंग होगी। वो जो हम लेके आए थे उसका क्या बना है? ये पड़े हुए भाई, वो पौधे जो हम लेके आए ना, गमले, ठीक है, ये बस अभी लगना शुरू होंगे और हम आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया ना, दिखाते चले। काम चल रहा है भाई, जोरों शोरों से जारी है माशाल्लाह से भाई। गार्डन का जो है ना काम हो गया है, काफी दिनों से सोच रहा था मैं यार ये कब होगा कैसे होगा, तो रामेश भाई ने तेरा कर दिया माशाल्लाह से। खाली करने के बाद हमने ये थोड़ा सा बाहर रख दिया ना, बाहर का सजा रहे हैं आप, यहाँ रखेंगे क्या पौधे? वाह जी वाह, ये तो एक नया लुक आ गया भाई, हमारे बाहर का जो है ना हिस्सा है भी आ गया भाई। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ गए। ओह माय गॉड, क्या कर दिया ये गमला, टूटा हुआ था ये पहले से, नुकसान हो गया हमारा है, टूटा हुआ बांधा हुआ था, ये टेप लगा हुआ था ना इस पे, ये देखें रबड़ या टेप लगी हुई थी भाई। ऐसे भी टूटते हैं भाई गार्डनिंग करते हुए ना, तो मैं नाजुक होते हैं तो हाथ ही नहीं लगाता भाई। रामेश भाई जिस दिन छुट्टी को होते हैं ना, तो जिन छुट्टी अपने हिसाब से करते हैं। जुड़ गया, प्लास्टिक के हैं ये, किसके हैं ये? मट्टी के हैं, जब तो टूटा है जी। कौन से पौधे हैं बताएंगे जरा सा? ये मैंने खुद बेटा तैयार करे घर में। कौन से हैं ये गर्मी गर्मी को तो नहीं बढ़ाते गर्मी गर्मी? अगर आपको बताऊंगा ना तो आप भी यकीन नहीं करोगे। क्या हो गए? आप यकीन नहीं करोगे। पापा छोटे छोटे पौधे बाजार से खरीदते हैं, सही है, उसके अंदर क्या हुआ हुआ था, इस तरीके का छोटे छोटे ना दो पौधे हो गए हुए थे, ठीक है। मैं बाजार से जब गमले खरीद के लाया, पौधे थे उसके अंदर, तो उसमें साइड में ना ये दो छोटे छोटे पौधे हो गए हुए थे। हमने इनको तोड़ा नहीं, हमने कहा छोटे छोटे पौधे हैं जंगली हैं, चलो उगा लेते हैं, रहने दो। तो क्या हुआ, ये तो बड़े हुए, जब बड़े होते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे बीज लगे हुए थे, जब जब वैसे बड़े होते हैं तो ये आपस में, मैंने क्या करा फिर जब ये बड़े हो गए थे, मैंने ये तोड़े ऐसे ऊपर से, मुझे पता भी नहीं था ये बीज है, मैंने ऐसे दूसरे गमलों में भी डाल दिए। अच्छा, ऐसे तोड़े, ऐसे दूसरे गमलों में भी डाल दिए, तो ये पूरे गमलों में बढ़ते चले गए, मैं ये बीज डाल। अच्छा फिर ये बाद में जब इतने बड़े बड़े हो गए, खुद ही झड़ते गए दूसरे गमलों के अंदर इनके बीज, तो ये पूरे गमलों में पूरी क्यारी में फैल गई। अभी क्या करने जा रहे हैं? अब नए पौधे लगेंगे ना, न्यू पौधे जो है ना इंस्टॉल होने जा रहे हैं भाई माशाल्लाह। रामेश भाई बोले तुम क्या करोगे? मैंने भाई मेरा तो व्लॉग करने का काम है। ये गमले उठा दो भाई जान, यहाँ पे चिपकली होती है, कुछ चीज कर लेते हैं भाई। अच्छा, और ऊपर से पानी अच्छी तरह मिला दो बस। एक काम करते हैं, इसको भी रख देते हैं, मेरे साथी चले नीचे उगा देंगे। चले जी, हम जो है ना इसको साइड पर रख देते हैं जनाब, और हमने सीढ़ी कर दी है भाई साइड पर। और यहाँ पे जो है ना रामेश भाई बोला एक एक करके सारी चीजें निकालो, तो गमले को कर लेते हैं भाई सारे अलग। ये देखना है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है निकालना है ना, तो अल्लाह खैर करेगा। भागिया भागा क्यों? वो देखो भाभी की आवाज आई है, बोला खनखजूरा होता है वहां पे। अच्छा बोला कि बताया क्यों तुमने ना यार? मैं ही कह रहा था तुम्हें बकरा बनाने के लिए, जल्दी कर, कुछ भी नहीं है अभी, ये घुस गया था। ये पीछे से टच हुआ, मैं तुमने कुछ आ गया।
गमले हमने यहाँ पे सजा दिया भाई, ये बड़ी खतरनाक हो रही है पूरी रामेश भाई। इतनी मट्टी आप कहाँ से भर के लेके आए थे भाई? मट्टी चाहिए थी यार, मट्टी भर लेते हैं बोरे के अंदर, और रामेश भाई ने बोला यार मट्टी ले ले। रामेश भाई को टेक्निक सिखा रहा है, ऐसी टेक्निक आपके पास नहीं होगी भाई यार। ये भी एक बहुत बड़ी ग्रीनरी है, ये देख रहे हैं आप लोग, नर्सरी पूरी बनी हुई है, बस यहीं से मट्टी भरेंगे और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी शाम होने से पहले हमें ये अपना गार्डन का काम जो है ना निपटाना है। अकेले उठाइए इतनी भारी बोरी ना, हालत टाइट हो गई। अमित भाई बोल रहा है ए, मैं वहां बैठ रहा हूँ मट्टी के पास, एक एक गमला आपको देता जा रहा हूँ, मट्टी भर रहा हूँ और आप यहाँ रखिए, खाली गमला देते जाऊँ। मेरा काम है खाली गमला देने का, भाभी मेरे साथ बैठ गई हैं और रामेश भाई मट्टी भरते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे, तब ये इसको फिल्टर करेंगे। आ गया भाई, एक भर के रामेश भाई ने दे दिया ये। चलो भाई ये है जी परफेक्ट तरीका, बिल्कुल फिल्टर करके माशाल्लाह से रामेश भाई निकल लिए मट्टी। तीन चार गमले हो गए हमारे, इसको जो है ना निपटाते हैं जल्दी से, और जैसे ही ये सारे गमले जो है ना भर जाते हैं उसके बाद क्या प्रोसीजर है तो वो दिखाते हैं। ओए होए जी, हाथ तो है ना मट्टी में हो गए सारे गमले जो है ना, हमने मट्टी शट्टी भर ली है रामेश भाई ने, खाली गमले में देता गया हूँ। रामेश भाई सारे भर गए या अभी कुछ रहते हैं? अभी भी रहते हैं, वो ठीक है, मट्टी हो सकता हो रहा है, लेकिन अभी तुम मेरे को सबसे छोटे साइज के गमले दो, क्योंकि छोटी पनीरिया लगाना। चले जी पनीरिया लगाना शुरू कर रहा है, छोटे छोटे साइज के गमले, ये आ गया सबसे छोटा। ठीक है जी, देखें जी जो लेके आए पनीरी, रामेश भाई कह रहे हैं कैसे लगता है, वाह बे बस ये लग गया है, वाह जी वाह, हम तो समझे, तो पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा। सारे सारे सेट कर करके रख लेते हैं, लगा के उसके बाद सोचते हैं कि भाई उसको कहाँ पे सेट करना है। पानी डल रहा है भाई, अब तकरीबन सारे पौधे जो है ना लगा चुके हैं हम, और मट्टी शट्टी जो है ना वाबे ने भर दी है, अब इसमें पानी डल रहा है, सारे गमलों में जो है ना हमने पानी डाल दिया है। अब रामेश भाई वाबे क्या करने जा रहे हैं? बीज लगाएंगे, बीज लगाने जा रहे हैं। आ गए जनाब इतने सारे बीज, सारे खाली गमलों में लगेंगे बीज, इतना टाइम लगेगा रामेश भाई, कब तक आ जाएंगे पौधे ये? इंशाल्लाह हफ्ता दो हफ्ते लगेंगे। भाई कह रहे थे जो गार्डन वाले थे नर्सरी वाले कि दो या तीन दिन में चार दिन में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बोलना होता है हर चीज, तो ऐसा नहीं है ना कि उनके मुताबिक होगी। सही है, ये देखो अब आप करना क्या है इसमें, एक एक लगेगा सब, एक एक लगेगा इसी तरीके से भाई। ये सारे खाली गमले हैं, इसमें एक एक करके बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद हमारा प्रोसीजर ये, सफाई करेंगे, करने के बाद हम लोग करेंगे भाई अब सेटिंग इंशाल्लाह ना, तो वो आपको सेटिंग देखेगी अब फाइनल के ऊपर। उससे पहले मैंने आपको बताया कि यार ये हमने खाली करके रखा है, ये देख रहे हैं रामेश भाई फेंक रहे थे, मैंने बोला यार ये फेंकना नहीं है, हम जो है वो जहाँ पे दिखाते हैं रोजाना आपको गार्डन ना, तो वहाँ पे इसको लगाएंगे। हाय भाई, इसका सारा वेस्ट जो है ना हमने एक जगह पर डाल दिया, और रामेश भाई ये लेके आ गए हैं वहाँ पे, बोल रहे हैं यार ये जो है ना इसको कहाँ उगाएंगे रमेश भाई, कैसे करेंगे ये बताएं जरा सा मशवरा दें। ये लग जाता है जमीन में, कटेंगे ये लग जाएंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था कि इस साइड पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको जो है ना पूरा हरा भरा कर लें, जैसा कि ये लग रहा है आपको। ओए माशाल्लाह, ओए हो इतनी बड़ी बड़ी हो गई भाई, पाँव भी नहीं दिख रहा इसके अंदर तो। ठीक है, इसी तरीके से यार इसको यहाँ पे भी लगा देते हैं, पूरा हरा भरा हो जाएगा, गार्डन बन जाएगा। रमेश भाई स्टार्ट करें जल्दी, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है भाई, सूरज ढलने को है। सुंबी लाओ, सुंबी लेके आऊँ खोदने के लिए ना, कोशिश करते हो। चलो यार, अरे भाई माशाल्लाह से रमेश भाई ने गड़ा कर लिया है। एक एक जड़ लगाएंगे जी, एक एक रूट लगाएंगे इसकी भाई, ताकि और वो आगे तक लगाएंगे ना, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई खा गया बकरियां वकरियाँ बच्चे अच्छे, तो उसके बाद ग्रोथ होगी इसकी? नहीं भाई। चलो इसको बीच में लगा देते हैं, ताकि कोई तोड़े ना इसको ना। ये देखो, ये जितना तोड़ा जाता है ना उतना निकलता है, देखो नया निकलना शुरू हो गया। अच्छा, ये वो आइटम है, ये वाला आइटम जो है ना, ये थोड़ा जंगली टाइप आइटम है, यानी कि जितना इसको तोड़ा जा रहा है, जितना खा रही है ये उतना ही ग्रो कर रहा है भाई। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, फजल है, सारे काम होते जा रहे हैं, और बस ये रह गए इसको जो है ना निमटाते हैं। निमटाते के साथ ही ऊपर अभी जो है ना गमले सेट करने, वो भी सेट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा इसको अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी करें, अच्छा सा करें, फिर वहाँ पे बैठ के। यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, टी टाइम भी आज निकल गया है काम भी, तो टी टाइम पे चाय पे अब डायरेक्ट मुलाकात होती है इंशाल्लाह। आए आए आए, बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, काम हो गया है गार्डन का। रामेश भाई की हालत तो अभी तो वैसी की वैसी है, और मेरी हालत जो है ना भाई बहुत ही यार, भाई थकन बहुत ज़्यादा हो गई है यार, कैसे काम कर लेते हो आप इतना सोचो। आए आए, और यहाँ पे भाई एक स्पेशल बच्ची आई है हमारी, छोटी नन्नी। कैसी है? खैरियत से है? चाइनीज बच्ची, ये मुझे कुछ खिला रही है, क्या दे रही है आप मुझे, क्या दे रही है? ये बाबा ले, लंबी लंबी, ये लंबी वाली बाबा ये मुझे दे रही है आप खाने के लिए? दिखाएं जरा कैसे खाते हैं ये तो बताएं भाई। ये बच्ची ने हमें गिफ्ट दिया, दांत से खींचते हैं, दांत से खींचेंगे? ये बच्ची ने भाई गिफ्ट दे दिया है, कैसे खींचेंगे बताओ, कैसे
एक खा के दिखाओ ना आप। के देखते हैं भाई क्या चाहिए। उसमें स्टिकर भी है भाई। मीठी मीठी ये तो यार, वाओ माशाल्लाह। ये पिंक कलर की है, और भी कलर्स की है। तो पैकेट लेके आई है बच्ची ना, बोले और भी कलर्स हैं इसमें माशाल्लाह। ये भी है। अच्छा ये बताओ आपके भैया कहाँ हैं? आप भैया घर पर? भैया घर पर हैं। क्या कर रहे हैं घर पर? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। आप नहीं पढ़ती? अरे मैं करके आई हूँ। कार्टून तो नहीं देखती? आपका ब्लॉग देख। हमारा ब्लॉग कार्टून से कम नहीं है। क्यों ना? ओए होए 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 भाई, नीचे से ऊपर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह जी काम शाम सब निमट गया है। और टाइम क्या हो रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं। चलो रमेश भाई हमारे साथी है, टाइम क्या हो रहा है सर? देखिए 11:58 हो रहा है यार। ओ माय गॉड, 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट्स रिमेनिंग है यार। और इतना लंबा काम था कि लाइट भी बीच में चली गई थी। काम तकरीबन हो चुका था, मैंने सोचा आपको एंड में दिखाऊंगा। रमेश भाई फ्रेश अब हुए? मैं अब फ्रेश हूं भाई। ओ माय गॉड यार, मेरे को ये सारे इधर सेटिंग बहुत डर कर रहा है। क्या ये सेटिंग, ये सारी सेटिंग ओए होए होए मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा ये आपने यहां पे लगा दिए सामने? ये यहीं पे लगे रहेंगे? ये मैं आपको यार दोपहर में दिखाऊंगा, क्या खूब चमक आ रही है इनके अंदर ना, रात में आपको पता चलेंगे। ये देखिए आप लोग यार, ओ माय गॉड पनीरियां। अच्छा ये पनीरियां लगा दी है भाई सारी, ये देखें, ये देखें पनीरियां। ओ माय गॉड, ये भी आपने सही जो है ना भाई, देखें वीआईपी कर दिया सारा गार्डन वार्डन। ये बुरा लग रहा था बहुत ज्यादा, कटिंग भी कर दी है, ये देख रहे हैं। ये लगाइए, ये देखें, ये लगाया, ये घीकवार का भाई, एलोवेरा का भी लगा दिया रामेश भाई ने, बेहतरीन। वो खाली कमरे कहाँ चलेगा जिसमें बीज उगे थे हमने? वो बीज वाले कमरे कहाँ चलेगा? एक ये रामेश भाई ने, इसको हम फॉलो करते जाएंगे रोजाना भाई, इसमें खाली खाली कमरे में बीज लगाए। अच्छा बीज कौन सा लगाया? बीज हमने लगाया बेल का, लगाया बेल का, बेल थी, नाम मुझे सही याद नहीं है अभी। बिल्कुल आपकी तरह होगी। और ये हमने यहाँ कर दिया पौधा, ये बड़ा पौधा हमने इसके दो पत्ते ये काटने, आज टाइम नहीं मिला। रात के वक्त तो भाई हम लोग छेड़ते नहीं है, तो रात के वक्त जो है ना आपको पता है कि सांस ले रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा होता है। तो अच्छा यार ये सारी चीजें रमेश भाई, ये तो हो गया माशाल्लाह से खैर खैरियत से अल्लाह के हुक्म से। अब ये बताएं इसका नेक्स्ट प्रोसेस प्लांटेशन का क्या होगा, क्या तरीकेकार होगा? ये होगा कि अभी इनको हफ्ते पूरा एक हफ्ते तक जो है ना पानी अच्छे तरीके से मिलता रहे, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं। और इसके अलावा अभी तो फिलहाल हमें यह हटाना है। अच्छा अभी सामान यानी कि ये अंदर नहीं किया है? नहीं। या आपने सोचा था दादा भाई आएंगे तो आपका सामान अंदर करवाएंगे? तो अभी हम ये अंदर ये करेंगे, इसको हटाएंगे, तो फिलहाल हमें इजाज़त। नेक्स्ट में ये मुझे अच्छा दिला आपने, नेक्स्ट हमारा ब्लॉग इंशाल्लाह होगा कि हम सारे प्लांटर जो है हमारे, प्लांटर के ऊपर हम पेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा और अच्छा पेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे, और सस्ता पेंट होगा। पेंट कराने के लिए देंगे या खुद करेंगे? खुद करेंगे और सस्ता पेंट, कोई महंगा पेंट नहीं है। बेहतरीन हो गया यार, तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में स्पेशल व्लॉग के साथ। इसी तरीके से यार अपना प्यार दिखाते रहें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, ताकि हम लोग हर आने वाले व्लॉग में आपसे इसी तरीके से मिलते रहें। रामेश भाई को और हम रजा नदीम फैमिली को इजाजत दें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।